तो यार वो क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 सुपर हीरोज़ के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, और जानेंगे कि इनको इनकी पावर्स कैसे मिली, इनके पास क्या क्या एबिलिटीज़ है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ हम ओनली टॉप 5 सुपर हीरोज़ की ही बात करेंगे, तो कोई छूट जाए तो मत बोलना, क्योंकि हाँ अब इंडिया में बहुत सारे सुपर हीरोज़ हो चुके हैं। और हाँ, इन सुपर हीरोज़ की रैंकिंग इनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी रैंकिंग को पीछे से ही शुरू करेंगे, और आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जिन सुपर हीरोज़ के पावर्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो सब हमें अपकमिंग इंडियन सुपर हीरोज़ मूवी में दिखने वाले हैं। तो नंबर 5 पर जो हमारा सुपर हीरो आता है उसका नाम है हनुमान। अब देखो, हनुमान की जगह में और भी मूवीज़ के सुपर हीरोज़ जैसे ब्रह्मास्त्र या फिर इमोर्टल अश्वत्थामा को दिखा सकता था, पर हनुमान की पॉपुलैरिटी इन दोनों मूवीज से ज़्यादा रहने वाली है। अब क्योंकि ये तेलुगु सिनेमा की आने वाली पहली सुपर हीरो मूवी होने वाली है, और इसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को बना चुके हैं, इसलिए मैं इसकी पॉपुलैरिटी को यहाँ ज़्यादा मान रहा हूँ। अब बात करें अगर इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो देखो अब इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अब तक केवल इसका एक छोटा सा टीज़र ही देखने को मिला है, जिसमें हमें इसके पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। पर इसके नाम को देखकर ये पता चल रहा है कि ये भगवान हनुमान से इंस्पायर रहने वाला है, और बेसिकली इस सुपर हीरोज़ को इसकी पावर्स इसके लोकेट से ही मिलने वाली है, क्योंकि इसके टीज़र में भी इसके लोकेट को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। और इसका जो पोस्टर यानी कि इसके टीज़र में हनुमान का जो बड़ा सा नाम दिखाया जाता है, उसमें भी हमें इसके लोकेट जैसा ये एक निशान दिखाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इसके लोकेट से ही इसको पावर्स मिलने वाली है। इसके पावर्स में इसके पास बेसिकली सुपर स्ट्रेंथ की पावर तो होगी सही, पर मेरे हिसाब से इसके पास सुपर स्पीड और भी कई सारी सुपर पावर्स हो सकती है। खैर वो तो हमें इसके ट्रेलर के आने के बाद ही पता चल सकता है। और यार मैं इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तेलुगु सिनेमा की आने वाली पहली सुपर हीरो मूवी होने वाली है। आगे नंबर 4 पर आने वाले सुपर हीरो का नाम है क्रिश। अब क्रिश के पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसे हमने क्रिश 3 में देखा था कि कैसे इसने एक बिल्डिंग को अपने हाथों से उठाया था। और आपको बता दूं कि क्रिश के पास सुपर स्पीड भी की पावर भी है, जिसकी हेल्प से बहुत स्पीड से दौड़ सकता है। उसकी टॉलरेंस लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। वह बहुत ऊंची जंप भी कर सकता है। उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर भी है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को बिना हाथ लगाए मूव करा सकता है। और क्रिश का आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अब ये तो थे क्रिश की वो पावर्स जो कि हमें क्रिश 3 के मूवी में दिखाई गई थी, पर क्या पता क्रिश की अपकमिंग मूवी क्रिश 4 में हमें उसकी और भी न्यू पावर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आगे बात करते हैं नंबर 3 पर आने वाले सुपर हीरो की, जिसका नाम है नागराज। इस कैरेक्टर के लेकर रूमर्स है कि इस पर अपकमिंग मूवी बन रही है, और इसके लिए एक्टर रणवीर सिंह को भी कास्ट कर लिया गया है। तो हाँ, इस कैरेक्टर के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये अपने इंडिया का ओरिजिनल कंटेंट है, जिसे राज कॉमिक्स ने पब्लिश किया है, और नागराज की कॉमिक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो इस एंगल से देखा जाए तो नागराज को ऑडियंस की ओर से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके ओरिजिन के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी लंबी है और इसी वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आप नागराज के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को भर देना, मैं नागराज के ओरिजिन पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं नागराज के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, जिससे कि ये बिना थके बहुत देर तक फाइट कर सकता है, बिल्कुल अपने कैप्टन अमेरिका की तरह। इसके पास फ्लाइंग एबिलिटीज़ भी है, ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जैसे अपनी कैप्टन मार्वल करती है। और इसके पास सुपर रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, जिससे कि इसके घाव बिना रुके भर जाते हैं। इसके पास इंफ्रारेड सेंसिंग भी है, बिल्कुल अपने स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस की तरह, जिससे कि वह आने वाले खतरे का पहले ही पता लगा सकता है। ये कुछ देर के लिए इनविजिबल भी होकर किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता है। ये जहरीली फुकार भी मार सकता है, जिससे बचना इम्पॉसिबल है। ये अपने शेप और साइज़ को बड़ा छोटा कर सकता है। और ये तो केवल इसकी मेन पावर से ही थी, बाकी इसकी और भी कई सारी पावर्स है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ इसकी पावर्स पर डिटेल में बात करने के लिए, तो बस कमेंट बॉक्स को भर देना। आगे बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले सुपर हीरो की, जिसका नाम है मिन्नल मुली। अब इस मूवी के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, अगर देखा जाए तो इस मूवी को अब तक की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 18 करोड़ के बजट में हमें इस मूवी में इतने कमाल के वीएफएक्स दिखाए,
जितना कि इस मूवी से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब बात करें सुपर हीरो के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो नेचुरली जैसे बिजली गिरती है वैसे ही एक बिजली इस हीरो के ऊपर गिरी थी और फिर इसके पास सुपर पावर्स आई, फिर बना है वो मिंदर मुल्ली यानी कि एक सुपर हीरो। अब बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में, किसके पास क्या क्या पावर्स है। तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे कि ये बड़ी से बड़ी चीज़ को भी काफ़ी आसानी से उठा सकता है या फिर ब्रेक कर सकता है। और क्योंकि इसको इसकी पावर्स बिजली गिरने से मिली थी, इसलिए इसकी सबसे स्पेशल पावर है सुपर स्पीड, जिसकी वजह से बहुत स्पीड से दौड़ सकता है। इसके सेंस ऑर्गन काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। और तो और इसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है, जिसकी हेल्प से किसी भी चीज़ को बिना टच किए आसानी से मूव करवा सकता है या फिर किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। अब मिंदर मुल्ली के सक्सेस होने के बाद मिंदर मुल्ली 2 का आना तो पक्का है, तो हो सकता है कि हमें मिंदर मुल्ली 2 में उसकी और भी न्यू पावर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाए। आगे बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाले सुपर हीरो की, जिसका नाम है शक्तिमान। अब देखो यार, शक्तिमान के बिना तो कोई से भी इंडियन सुपर हीरो का वीडियो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारे इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो है जिस पर एक लाइव एक्शन शो और लाइव एक्शन मूवी भी बन चुकी है। और अब तो इस पर 3 मूवीज़ की एक ट्रायोलॉजी भी आने वाली है, इसका ऑफिशियल टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है। अब देखो, हम इस वीडियो में शक्तिमान के ओरिजिन के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि शक्तिमान के ऊपर अपकमिंग मूवी आने वाली है और उसमें उसकी स्टोरी को भी नया बेस दिया जाएगा, इसलिए हम उसके ओरिजिन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अब हम शक्तिमान के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो शक्तिमान के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर स्टेमिना भी है, वो इनविजिबल हो सकता है, इसके पास फ्लाइंग एबिलिटी है और शक्तिमान अपनी बॉडी को किसी भी शेप में चेंज कर सकता है। शक्तिमान के पास डिवाइन पावर भी है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में आने वाले खतरों का पता लगा सकता है। इसके पास लाइटनिंग की पावर भी है, ये हीट भी जनरेट कर सकता है, इसका हीलिंग फैक्टर बहुत अच्छा है। इसके पास माइंड रीडिंग की भी पावर है, और तो शक्तिमान के पास सुपर स्पीड की भी पावर है। तो यार, एक सुपर हीरो के पास और कितनी सारी पावर्स चाहिए। हाँ, इसीलिए हम शक्तिमान को इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारे सुपर हीरोज़ के पावर अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट से जुड़े वीडियो देखना पसंद है और उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार, कर लो। अपने चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है।